तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपका भी व्हाट्सएप नंबर बैन हो गया है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका व्हाट्सएप नंबर 100% अनबैन होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक शेयर करने वाला हूँ जिससे आपका व्हाट्सएप नंबर गारंटेड अनबैन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तो यहाँ पर आप लोग को रिक्वेस्ट आईडी देखने को मिल रही होगी। तो जैसे ही आप लोगों ने रिक्वेस्ट सबमिट की होगी तो आपको यहाँ से रिक्वेस्ट आईडी आपके जीमेल एड्रेस पे मिल गए होते हैं। जैसे तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, तो ये हमारी रिक्वेस्ट आईडी है। तो सबसे पहले आप लोग को रिक्वेस्ट आईडी को कॉपी कर लेना है। तो जैसे आप लोग रिक्वेस्ट आईडी को कॉपी कर लेते हो तो उसके बाद आपको अपने जीमेल एप्लीकेशन से बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ से मैं सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है व्हाट्सएप बिजनेस। तो जैसे आप लोग यहाँ से सर्च करते हो व्हाट्सएप बिजनेस, तो आपको यहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आप वो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद आपको यहाँ से देख सकते हो रेट दिस ऐप। तो आपको यहाँ से 3 स्टार की रेटिंग करनी है। तो जैसे आप लोग यहाँ से स्टार के ऊपर में क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, आपको यहाँ से 3 स्टार की रेटिंग करनी है। रेटिंग करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हो नीचे में आपको यहाँ से अपनी प्रॉब्लम को टाइप करना है। तो कैसे आप लोग यहाँ से टाइप करोगे जिससे आपका व्हाट्सएप नंबर जो है अनबैन हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसमें आपको अपनी रिक्वेस्ट आईडी डाल देनी है। रिक्वेस्ट आईडी डालने के बाद नीचे में आपको अपना नाम और अपना व्हाट्सएप नंबर जो आपका अनबैन हुआ था सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ से सही से इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आप लोग को यहाँ से पोस्ट के ऊपर में क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ से पोस्ट के ऊपर में क्लिक कर देते हो तो यहाँ से आपका पहला स्टेप जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, तो चलिए यहाँ से मैं इसे पोस्ट के ऊपर में क्लिक कर देता हूँ। तो पोस्ट के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से डन के ऊपर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को व्हाट्सएप बिजनेस को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को यहाँ से हेल्प के ऊपर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ओपन होने के बाद जो आपने वहाँ पे पेस्ट किया था वही आप लोगों को यहाँ पे भी पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ से जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसका एक स्क्रीन शॉट यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर में क्लिक करना है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो तो आप लोग को यहाँ से रिक्वेस्ट आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर जो बैन हो गया था दोनों डाल देना है। डालने के बाद आप लोग को दिस डज नॉट आंसर माई क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने जीमेल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप लोग को जीमेल के ऊपर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके भी मोबाइल फ़ोन में जीमेल एप्लीकेशन ओपन हो जाता है, तो आप लोग यहां से देख सकते हो। उसके बाद आप लोग को यहां से कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट यहां से सेंड के ऊपर में क्लिक कर देना। सारी डिटेल्स आपकी यहां से पहले से ही रहती है, बस आप लोग को यहां से सेंड के ऊपर में क्लिक कर देना। तो सेंड के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। उसके 24 से 48 घंटे के बाद आपका व्हाट्सएप नंबर अनबैन हो जाएगा।